हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार। शुरू कर रहे हैं इसी जगह से। पिछले ब्लॉग में यहाँ पे हमने ब्लॉग खत्म किया हुआ था होम टूर को, और इस ब्लॉग में हम लोग अभी पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट टू में आप लोगों को होम टूर का सेकंड फ्लोर दिखाने वाले हैं। पहले आप एक बार घुमा दो कैमरा, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर दिखाने वाले हैं आज। ठीक है, मम्मी को अच्छा लग रहा है, देखने से लग रहा है। अब मम्मी का एक्सप्रेशन भी आपको दिखेगा। ऊपर चलो तुम, राहुल भाई को ये सीढ़ी, आ जाओ सब लोग। हां, मेरे को अभी तक ऊपर कोई गया नहीं है, बस एक लोग गई थी। मैं भी चलूंगी। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले ये जो हमारा स्टेयर्स है ना, ये डुप्लेक्स है, आप देख सकते हो। ऊपर इसका छत नहीं है, मतलब सेकंड फ्लोर की छत है। तो जो फर्स्ट फ्लोर का छत है, उसके बाद जो ऊपर वाला है सेकंड फ्लोर, वहां पे छत है। मैं सोचता हूं वीडियो बन नहीं होगा। ये फैंस वगैरह ऑफ कर देते हैं अपन। बाकी मनीषा, तुम बताओ इसके बारे में। ये अपना होम टूर डिस्ट्रैक्ट कर, और ये हमारा सबसे पहला झूमर, जो कि बहुत सुंदर लगता है। एक एक चीज हम लोगों ने बहुत मेहनत से चूज किया है। बिल्कुल। तो पूछते हैं मम्मी से साथ साथ, कैसा लग रहा है मम्मी को? बहुत अच्छा। ये झूमर, ये सब झूमर कहाँ से लिए? दिल्ली से, नौली से। ये झूमर अभी नहीं जल रहा है ना? जल तो रहा है। अच्छा, मतलब अंदर जल रहा है, बाहर नहीं। और ये दो बिल्कुल यहाँ से आते साथ आपने लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट में आते साथ आपको दिख जाएगा कि अभी ये पंखा लगवाया ना हमने, तो इस फैन की वजह से डाइनिंग टेबल को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया। तो ये डाइनिंग टेबल हमने क्या किया ना, किचन ऊपर अभी रेडी है हमारा। मनीषा तुम बात कर लो ना, हम बाद में ब्लॉग शूट कर लेंगे। आवाज आती है ना तुम लोग पीछे से, ऑडियंस भी कमेंट करेंगे कि डिस्टर्बेंस बहुत है। तो ये किचन है, पीछे से फैन ऑफ कर दो, पीछे फैन की वजह। तो इधर किचन हमारा जो है, ये छोटा सा किचन हमने बनाया। इसको बहुत मतलब मैंने मॉड्यूलर नहीं बनवाया, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद मनीषा को थोड़ा है कि रूम तक जाने आने में नीचे ऊपर अभी तकलीफ होती, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल ले लिया। यहीं पे खाना पीना खिला के यहीं से सबको रफा दफा कर देगी, टेंशन नहीं है। और क्या, पहले नीचे लेके जाना पड़ता था, डाइनिंग टेबल तो यहीं बैठ जाता। आज मैंने पंखा लगा दिया क्योंकि आज मेरे को गर्मी लग रही थी, तो मैं सोचा कि यार चलो पंखा भी लगवा देते, इसीलिए तो डाइनिंग टेबल बिखर गया थोड़ा सा, नहीं तो सेंटर में आएगा। और बाकी इसके बाद से जब चलते हैं, इसमें अभी क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसका एक मैं डिटेल टूर आपको बहुत बाद में करा दूंगा। बाकी यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो इधर से ये पूरा एक लॉबी है जो कि बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर आप अच्छी खासी पार्टी, यहाँ पर डीजे वगैरह, साउंड म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है। म्यूजिक चाहिए इसको, म्यूजिक एक्चुअली वो कराना था मैंने, बट वो कराया नहीं। और ये और है मेरे पास, हम लोग से आराम से बजेगा बहुत देर से पीछे। अब आप भी तो बोल दीजिए, मेरा मेरे को दिया गया आज मैं। तो गाइस अभी ये वाला एक झूमर हमने लिया हुआ है, जो कि इस लॉबी की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और यहाँ से फिर हमारा डुप्लेक्स स्टेयर स्टार्ट हो जाएगा। स्टेयर्स पे भी आपका फुट लाइट लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का फुट लाइट दिखा दो। तो जब अपन ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर का फिर दिखा देंगे एक बार, है ना। और ऊपर का सब लाइट ऑन कर दो विकास जाकर। बाकी फिलहाल एक बार चलते हैं मास्टर बेडरूम टू द सीनेट में, इसका नाम हमने द सीनेट रखा हुआ। और ऊपर भी मास्टर द सीनेट ये जो रूम हमने रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि उसको जेरी को ले जाकर नीचे बांध दो, ऋतिक क्या साथ उधर, हाँ कोई देखेगा होके का जेरी के पास जाना। तो यहाँ पर गाइज हमने कैमरा रखा हुआ है, ताकि जो आए यहीं से मैं वॉइस से भी बोल सकता हूँ, ये चाबी से मैं गेट खोल सकता हूँ। अगर ऊपर से नहीं जाने का मन कर रहा है तो नीचे से ही अपना जो भी है मैनेज कर सकता है। ये सोफ़ा हमने लगा दिया, ये सोफ़ा को हम बेड, इसको बेड भी आप बना सकते हो और सोफे की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रूम में कोई आता है तो जनरली इसको बैठने के लिए चाहिए। ये आपने देखा होगा नीचे वाले रूम में भी था, ऊपर वाले रूम में भी है। ऊपर का बेडरूम जो है ये पूरे सीलिंग तक तक टच कर रहा है। और इसका कवर क्यों नहीं लगाया ये इसका, चलो कोई बात नहीं, इसका कवर लग जाएगा। इस रूम में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे, नहीं पूछोगे क्या जिसमें मैं खड़ा हूँ?
मैट, हाँ ये मैट गाइज उसका है, ऑलमोस्ट 5600 रुपीज का ये मैट है। एंड बहुत मेरी बहन जाके इसकी तारीफ कर दी, वो आई ना मैं लेके आई थी, ओ इतना सॉफ्ट है। ये रूम हम लोग के लिए शायद रखा है इन्होंने। हाँ ये राहुल मंपी को अभी, इनको कल वीडियो शूट करना था इसमें। वैसे लेडीज के लिए जितने भी रूम्स हमने रखे हुए सब लेडीज के लिए, जेंट्स को रूम की जरूरत नहीं है। जेंट्स हम लोग मस्त मजे करने वाले हैं बाहर, है ना। और लेडीज को, चूंकि बहुत सारी मदर्स हैं जिनको फीड करना होगा बेबी को, या फिर जिनको स्पेशल केयर चाहिए, उनको हम लोग रूम वगैरह प्राइवेट दे सकते हैं ना। बाकी यहाँ पर मैंने सोनी का ब्रावे तो नहीं लगाया, लेकिन कोडेक का लोकल नहीं बोल सकते, कोडेक भी एक ब्रांड है। ये भी टीवी लगाई जो कि हम लोग को ठीक ठाक रेट पे मिला हुआ। अगेन बाकी इसका भी आप बाथरूम वगैरह अगर आप देखें, अगेन इसमें भी डबल हमने कर्टन्स लगाए हुए, पीछे बहुत सुंदर बालकोनी है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं एक बार मम्मी को यहाँ खड़ा करा दूँ, और अभी मैं सिर्फ दरवाजा हल्का सा खोलूंगा ना, मम्मी के जुल्फे उड़ने लगेंगी। ये मुझे विश्वास है पहले से। क्यों विश्वास है? ये देखो, एकदम चिल्ड ठंडा हवा आएगा मस्त। और यहाँ से अगर कोई बाहर जाके बैठ गया लग रहा है एसी चल रहा है वहाँ पे, एसी लाइट जला दीजिए। और अगर इस रूम की सबसे खास, हम देखेंगे वो बाहर, बाहर भी आप आ सकते हो, आ जाओ बाहर लेके। यहाँ से आपको लाइट यहाँ से पीछे है शायद, सॉकेट यहाँ पे, सुबह तो धूप आता होगा ना यहाँ पे। छोड़ दो राहुल भाई, बल्ब नहीं लगा, धूप नहीं आता यहाँ पे, ये ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये हमारा ओपन एरिया, यहाँ पे आपको अभी जो भी आवाज सुनाई देगा ना, थोड़ी देर अगर सुनेंगे ध्यान से, मोर की आवाज आएगी, और आपको मोर यहाँ पर कभी भी किसी टाइम दिख जाएंगे। मोर की आवाज, यहाँ पर इतने मोर है कि यहाँ पर कभी मोर आके बैठ जाते हैं। मोर उड़ता है। और यहाँ से नीचे का बालकोनी ओपन एरिया लगता था, जो कि अगर सचिन भाई गुस्सा हो जाए और मनीषा नीचे रहे तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से ना वो सुनाई, ये बोलेगा बाबू। और यहाँ से किचन का एरिया, तो ये है हमारा ऊपर का मास्टर बेडरूम वन। अगला जो रूम है, मतलब देखो नीचे जो रूम था वो तो हमारा रूम था, यहाँ पे अब एक प्रिंस अपना भाई, वो कभी आए तो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए हम लोगों ने पूरा सेटअप रखा है। हाँ, कि उसको भी ये फील ना होना कि भैया अपने लिए अच्छा रूम बना दिया, मेरे लिए ऐसा रखा हुआ है, तो उसके लिए भी है ये, जब भी वो लोग आएंगे अपना मस्त स्टे कर सकते हैं। बाकी जो एक रूम हमने रखा हुआ है वो हमारी जो बहनें हैं वो लोग आकर रह सकती है, जैसे कि हमारी पूजा हो गई, नेहा दीदी हो गई हमारी, बहुत मतलब आनंदी हो गई, जो भी अपने फैमिली के साथ आएगा वो लोग हमारे पास रुक सकता है, तो उनके लिए हमने स्पेशल ये वाला रूम बनाया हुआ है। अब चूंकि जो बहनें होती हैं वो ज़्यादा दिन तो रुकती नहीं है, वो निकल जाती हैं, इसलिए मैंने अलमारी का प्रबंध नहीं किया, लेकिन उनके लिए पूल व्यू का प्रबंध जरूर किया हुआ है कि उनको पूरा पूल व्यू दिखेगा। सो द मोमेंट व्हेन यू गेट इनटू दिस रूम, अभी आपको स्विमिंग पूल में फिलिंग चल रही है पानी, उसकी आवाज़ आ रही होगी, नो देरी, बिल्कुल नहीं। इधर से गाइस यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, और अभी मैट्रेस हमने रखवाए हुए हैं ताकि यहाँ पर किसी को कोई तरह की दिक्कत ना। मम्मी को देखो, मम्मी कहाँ गई, मम्मी के एक्सप्रेशन, नो जेरी उसको नीचे ले, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो साथ है, सबको मौके है, हम लोग देखा है। तो अभी इस रूम में जब आप आते हो तो यहाँ पर एक रूम मिलेगा, यहाँ रूम से आपको यहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम में अगेन आप दिखा सकते हो, दिस इज इंडियन, ठीक है, हमारा बालकोनी, और बालकोनी के बाद यहाँ पे तुम देख नहीं पाओगे। अगला सवाल, हाँ मम्मी, वो जेडी आप ही लोग, जेडी हमारा है, वो इतना सा था सबसे लेके आए थे, वीडियो में हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि अब हम लोग डेली ज्यादा इधर उधर ही बिजी हो जाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं डेली नहीं देखते। उसको तो बहुत वे करना पड़ता है तुमको, उसको छोड़ के कहीं जा पाती हो? उनके अद्भुत सवाल है, सुन लो ना, तो जवाब देते हैं, चलो कोई ना कोई रहता ही है ऐसा। तो गाइस जब अपन ये पानी टंकी वो देखते ना खुश, किसी कर दो। तो गाइस अभी हमारे पास हमारा ये बालकनी है, और वहाँ पे हमने ब्रश के लिए एरिया रखा, इससे भी हमको भोगो पास जाएंगे। चलते एक चीज अच्छा हमको इधर लगा कि इधर भोगो हुआ है, मायरा को खाना खिलाने का काम आता है। तो अभी यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल बनवाया हुआ है, इसको मैंने बंद कर लिया, पानी भरेंगे इसमें, भरना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, अभी नहाएंगे हम, अभी कूद मारेंगे यहाँ पे, अभी पानी भरते साथ अभी कूद मारने की तैयारी चल रही है। और यहाँ से ये पूल एरिया के बाद आपका जो है
ये एक सीडी जो नीचे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, आपने देखा होगा आप लोग फर्स्ट पार्ट में वीडियो देखे होंगे ना यहाँ पे बाहर। और यहाँ पे भी कपड़ा वगैरह सुखाया है राशिद, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, राशिद या फिर किसी का काम ही निकाल दिया विकास वगैरह का। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर हमने झूले के लिए एरिया रखा हुआ है, जो कि अगेन लाइट की ना मैंने गाइस कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ी है, पूरे घर में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ऊपर का स्टार का डिजाइन देख सकते हो, ये भी पेंट वेंट हो जाएगा ना तो और भी अलग सा दिखेगा। और यहाँ से हाँ, ये हमारा एक वॉशरूम है जो कि अब स्विमिंग पूल कोई जाता है ना तो उसको वॉशरूम जाना ही पड़ता है। और ये वॉशरूम लॉबी से भी कनेक्टेड है, मतलब ये वॉशरूम में दो दरवाजे हैं, एक लॉबी की तरफ और एक इधर की तरफ, स्विमिंग पूल वाले लोग भी जाए। और इंडियन वॉशरूम है, और ये इस रूम का वॉशरूम जो है वो इस रूम का अटैच वॉशरूम है, आप सामने की तरफ देख ही सकते हो। फिलहाल चलते हैं अपन सेकेंड फ्लोर पे, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे भी हमारा कुछ ना कुछ है प्रबंध जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर दोनों लोग कपल डांस करते हुए, चलो मैं गाना गा देता हूँ, चलो गाओ। हाय रे और हाय रे, बस हाय रे नहीं, वो फिर से गोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे। ऐसे मस्ती मजाक चलता रहेगा, बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे व्लॉग को। बाकी फिलहाल चलिए आपको चलते हैं लेकर के सीधे ऊपर वाले फ्लोर पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड गाइस यू नो व्हाट, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सिंक लगाया हुआ है, ये पूरी सिंक स्टेनलेस स्टील की है। और ये जो सेट मुझे पड़ा ना, ये बेसिन बेसिन का सारा सेट मुझे पड़ा लगभग 18,500 रुपीस का एग्जैक्ट। यहाँ पे मिरर भी लगाया है टच वाला, आप जब फेस वॉश वगैरह करो तो आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपन शूट कर सकते हैं। अच्छा वीडियो, इतने सारे क्रिएटर्स होंगे तो यही होगा वीडियो का लाइक किया। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, आ जाओ ऊपर छत है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी डुप्लेक्स रूम है, जो कि यहाँ पे ऊपर देख दिखा दो, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ भी झूमर लगाया हुआ है, वही झूमर है जो मैंने रूम में लगा हुआ था उसी का है। एक सेकेंड, बाकी यहाँ जब ऊपर आते हैं तो ऊपर में भी आपको एक लॉबी दिखेगा, जो लॉबी कुछ इस तरीके का, वाइड एंगल से शूट कर लो। और लॉबी में यहाँ पर एक वॉशरूम दिखेगा जो ऊपर रहेगा, उसके लिए वॉशरूम है, इंडियन वॉशरूम है। हमने ज्यादा इंडियन को प्रेफरेंस दिया हुआ, 4 वेस्टर्न है 3 इंडियन, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आप इस रूम में देख सकते हो ये एक बेडरूम हमने लगवाया हुआ है, जो कि और इसमें भी कर्टन्स वगैरह के लिए सारा सिस्टम लग चुका है। तो और क्या चीज, भोपास जाना भोपास। और यहाँ पे बड़े बड़े शीशे हैं एकदम मस्त, अब सब कर्टन्स वगैरह भाव काट लेगा, चलो भाव काटेगा। तो ये सबसे ऊपर का एक कमरा जहाँ पे स्टूडेंट तो अच्छे से रह सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ओपन एयर कंडीशनर रूम में, ओपन एयर का एसी है ना, पूरा। और मैंने मम्मी को बोला था कि यहाँ शाम आते आते ना तुम्हें एसी वाली फीलिंग आ जाएगी। कितना सुंदर दिख रहा है ना, यहाँ से बाजार कितना दूर जाना पड़ता है? 1.5 किलोमीटर। रनिंग करके जा सकते हैं, हेल्थ भी ठीक हो। मनीषा को भी रनिंग कराएंगे ना, फिटनेस रहेगी। हम तो क्या उसको और पतली करना है? और क्या, पतली होने का खुशी उस इंसान से पूछो जो होना चाहता है, वो हमसे पूछो। ठीक है, लेकिन उसको पतली क्या, वो पता है तुमको और चिकन लगाना है शरीर में बस। रुको, ये ओपन रूप है और अभी यहाँ पर तार वार बंधा हुआ था, पता नहीं क्यों ये वाईफाई का तार वार जा रहा है। अभी इसके ऊपर चलते हैं एकदम तगड़े वाला एसी में, उधर मत चलाना पैर चुभेगा मायरा का। आ जाओ, तो अभी चलते हैं सबसे ऊपर, फ्लैश लाइट जला लो। तो गाइस अब इसके बाद अपन चलते हैं सीधे टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे अभी ये रेलिंग जो है ये कपड़ा पसारने के काम आ रहा है, यहाँ भी स्टील का हमने काम करा है। और जितने भी बाहर के स्टील है ना गाइस, दैट इज 304 ग्रेड, जो कि एंटी रस्टिंग होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने मतलब कोई तरह का कोई चीज़ में कमी नहीं रखा। अभी कल बहुत सारे फ्लावर पॉट्स आने वाले हैं, लगभग 30-40 के करीब, देखते हैं कल कितना आता है। तो मायरा बोल रही है कि मेरे साथ चलेगी, चलेगी मायरा, आ जा। मम्पी पास, ये अपनी मम्मी को मम्पी, आ जा मम्पी ऊपर, आ जा ऊपर आओ, चलो। हाँ तो गाइस अभी ऊपर छत पे आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मा, यहाँ इसलिए कपड़े डाले हैं ना कि ऊपर डालने से सारा उड़ जाता है। तो यहाँ पर आप गद्दे बिछा के बस सो जाओ यार, इतना सुकून है ना, इतना मजा है ना कि क्या ही बताऊँ। और अभी तो रात हो गया है इसलिए मैं आपको व्यूज़ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन डे टाइम में मैं आपको होम टूर कराऊंगा, एक बार अच्छे से सारा डिस्क्राइब करके बताऊंगा।
और उसमें मैं आपको पूरा घर का नज़ारा दिखाऊंगा चारों तरफ से कैसा दिखता है। उस साइड पहाड़ी भी दिखती है जब मौसम बिल्कुल साफ होता है। मोर बोल रहे हैं, मुझे मोर को देखना है। धूप में निकलता है मोर? हाँ दे दिखा देंगे, इतने दिन में जरूर दिख जाएगा। दिख जाएगा पीकॉक। यहाँ पानी टंकी और यहाँ डबल पानी टंकी रखा हुआ है सर्वो का, हमने 1100 लीटर का, 1000 लीटर का है, 10% एक्स्ट्रा है तो 1100 लीटर हो गया, तो 2200 लीटर का पानी है। तो ये घर में रहने वाले फिलहाल अभी हम लोग दो लोग हैं, बाकी हमारे साथ राशिद और कोई कोई रहता ही है। और इस घर में हम लोगों ने ऐसा बनाया कि यहाँ घर में कोई भी आए, कभी भी आए, किसी को कोई दिक्कत ना हो और अपने को भी दिक्कत ना हो। एक मतलब जिंदगी का लक्ष्य होता है। छः रूम है, 7 बाथरूम है, 2 लॉबी है और एक छोटा लॉबी है। तो ये था हमारा होम टूर पार्ट 2 और क्या, कंप्लीट होम टूर विद फुल डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज़ को बता करके। अगर आप चाहोगे, अगर इस वीडियो पे 50K लाइक आ जाता है, अगर तो कोई भी कुछ चाहते हो कि हाँ ये मतलब प्रॉपर तरीके से आप चीज़ को प्राइस लेके, मतलब कोई अगर अपना घर बनाना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हो तो कमेंट्स करना। राज भाई अच्छे से एकदम खुद खुद के आपको एक ब्लॉग में वीडियो दे देगा। तो गाइस बस ऐसे ही सबका प्यार बना रहे, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करना एंड आई होप यू हैव लव द ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर क्या लगी होगी, मुझे उम्मीद है, आप लोग प्लीज़ लाइक करना। और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन दैट वाज इट। आई होप यू हैव लव द ब्लॉग। खूब सारा लाइक करो, खूब सारा सब्सक्राइब करना एंड कल से मतलब आप लोगों को तो मज़ा आते रहेगा यार, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, बस खूब मज़ा आएगा, है ना। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे वीडियोज़ में। अब 1 मिलियन कर दो जल्दी से, केक खा के जाएंगे यहाँ से। इतना रातों रात 1 मिलियन कराएंगे तब तो मजा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। तो राज भाई मेरे लिए वहाँ पे प्लॉट ले लेगा एक तो। अरे ये पूरा घर ही है इनका, ये पूरा घर इनका है, इसमें कौन सा कोलकाता वाला घर हमारा है, ये घर इनका है, हम लोग सबका है ना। मायरा आपके घर आऊंगा तो आप मुझे प्यारी करोगे ना। हाँ चलो गाइस, एंडिंग अप दिस ब्लॉग राइट हियर। आई होप यू हैव लव्ड द ब्लॉग। बाय बाय।